देहरादून में आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में आईएएस रामविलास यादव को राज्य सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही राज्य सतर्कता विभाग के निदेशक अमित सिन्हा के मुताबिक पूछताछ के बाद उन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया। इससे पहले हाईकोर्ट की फटकार के बाद रामविलास यादव को देहरादून के विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचाया, जहां करीब 14 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। वहीं भाजपा के प्रवक्ता विनय गोयल ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से स्पष्टीकरण कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, और कोई भी कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उसी का परिणाम।